अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ऐसा पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग और यकीन कर रहे हैं बहुत कामयाब एक ऐसा तजर्बा शेयर करने जा रही हूं जो यकीनन आपके लिए नया होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को ट्यून नहीं किया या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर आइए ताकि आपको कुकिंग के साथ साथ आउटडोर व्लॉग्स और छोटे मोटे मोटे टिप एंड ट्रिक्स भी मिलते रहें। जी फ्रेंड्स, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं परिंदों को अनाज, बाजरा वगैरह किस तरह डालती हूं। मैंने तकरीबन 3-4 साल से ये हैक, ये ट्रिक अपनी ज़िंदगी पर लगाया है और मैं समझती हूँ इस हैक की वजह से वाकई मेरी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और ढेर सारी नेमतें शामिल हो गई हैं। वो ये है कि मैं जैसे ही सुबह छत पे आके परिंदों को अनाज डालती हूँ तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ। प्लेट में अनाज डालने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इन परिंदों को हमारे हक़ में दुआ करने वाली ज़ुबान अता फरमा ताकि ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी, हमारे अच्छे मुस्तकबिल, बच्चों की ज़िंदगी और जो गुनाहों से बचने का एक ख़ास तरीक़ाकार है, इन परिंदों को हमारे हक़ में दुआ करने वाला बना कि अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर ले और हमारे जितने भी फौत शुदगान हैं, मरहूमीन हैं, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करने वाली ज़ुबान अता फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, दुआओं को सुनने वाला है और दुआओं को कबूल करने वाला है। यकीन करें, मैं ये महसूस करती हूँ कि जैसे मैंने अल्लाह ताला से इस रिक्वेस्ट के साथ दुरूद शरीफ की ताकत और पावर के साथ जब से ये तरीका आजमाया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लगती हैं। दाने डालने के बाद एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको भी मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको भी इस तरह का अच्छा कोई पावरफुल वजीफ़ा या तरीके का आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।